कांग्रेस के इलेक्टोरल बॉन्ड पर उठाए गए सवाल पर कोरबा से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई नैतिक आधार नहीं है, जो खुद दलबल में डूबे हुए हैं वो हम पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के पास इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कोई सबूत है और कोई घोटाला है तो इसे प्रमाणित करके दिखाए। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा, पिछले 10 सालों के दौरान किसी भी आरोप में भाजपा की सरकार के किसी मंत्री ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को कोट करते हुए कहा, उन्हें याद होगा कि 2014 के पहले उनकी सरकार के कितने मंत्रियों ने घोटालों के कारण इस्तीफे दिए थे। कांग्रेस के पास कोई नैतिक वजह कहने का, कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस को कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। जो खुद दल दल में डूबे हो वो हम पे आरोप लगाएंगे। मुझे नहीं लगता कि उनको नैतिक बल भी है। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कितने वोट सीटें लेकर आने वाली है जरा वो अपना आकलन कर ले। वैसी बातें कहती है उसके कारण है, इतना बड़ा स्कैम है तो उसको प्रमाणित कर दो। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी घोटाले पर किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया है क्या? लेकिन उसके पहले के 2014 के 10 सालों के पहले लगातार इनके मंत्रियों को घोटालों के कारण इस्तीफा देना पड़ा है। राहुल गांधी जी को याद है या नहीं है? उनकी ज्यादा उम्र नहीं हुई है, याद आना चाहिए। दीदी भाभी का कहीं कोई बात नहीं है, कांग्रेस भाजपा की लड़ाई है, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती है और कांग्रेस आज उनके पास नेतृत्व नहीं है, मुद्दे नहीं है। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है कांग्रेस, मैं पूछना चाहती हूँ। पिछले 5 सालों में यहाँ पे कांग्रेस की सांसद रही, उन्होंने क्षेत्र के लिए क्या किया, कितने बार वो क्षेत्र में आई है? तो इन मुद्दों के साथ में हम जा रहे हैं और जनता के बीच में विकास का मुद्दा भी है। देश के प्रधानमंत्री जी मजबूत नेतृत्व देते हैं, सबल नेतृत्व देते हैं, सक्षम नेतृत्व देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जनता का विश्वास है और उस विश्वास पर जनता फिर से आशीर्वाद देने वाली।